करते हैं उदाहरण संख्या 14। उदाहरण संख्या 14 में हमें क्या दिया गया है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि, यानी हम बेंगलोर ना बेंगलोर शहर है उससे क्या करते हैं, एक बस स्टैंड से अगर हम टिकट लेते हैं, दो टिकट लेते हैं, दो टिकट मलेशपुर के तथा तीन टिकट यतेशपुर के, यानी दो टिकट तो किसके लेते हैं, मलेशपुर के, और तीन टिकट किसके लेते हैं, यतेशपुर के। इनका है, इनका वे कितना आता है, 46 रुपये, कितना है 46। और यदि तीन टिकट मलेशपुर के और पांच टिकट किसके लेते हैं, इसके लेते हैं, तब कितना आता है, तब हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, 74। इस प्रकार करना है, तब वो क्या कहता है, वो एक तब वो क्या कहता है, बस स्टैंड से मलेशपुर का किराया तथा बस स्टैंड से यतेशपुर का किराया बताइए कि कितना है, यह बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें यह किया गया, हमें सबसे पहले मानते हैं, माना मलेशपुर मलेश्वर का किराया कितना है, एक्स किराया एक्स है तथा यतेशपुर तथा यतेश यतवंतपुर का किराया वाई है, क्या है एक्स और क्या है वाई है। तब हमें क्या इसमें दिया क्या गया है, अब हम करते हैं प्रश्न अनुसार। यह तो हमने मान लिया कि उनका क्या है किराया एक्स और वाई है, अब हमें याद करना है कि उसका क्या है, तब हम क्या करते हैं, जो हमें प्रश्न अनुसार दिया गया है वो करते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार हम करते हैं, वो हमें कितना दिया गया है कि दो टिकट मलेशपुर की, यानी दो टिकट लेनी है मलेशपुर की, तो मलेशपुर का किराया कितना है, टू है, कि वो मलेशपुर की कितनी दो टिकट लेता है, टू एक्स प्लस 3 वाई इजिकल टू 46। हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी वो मलेशपुर की दो लगता है, मलेशपुर का किराया कितना है एक्स, और यतेशपुर का कितना है, तीन तीन टिकट लेता है, और उनका मूल्य कितना देता है, 46 रुपये, तब वो देता है तो हम यहाँ पर कर देते हैं 2x+3y, इस 46 का हम पक्षांतरण कर देते हैं, तब कितना आ जाता है, बराबर 0, ये हो जाता है। और इसके बाद हम करते हैं, तो होता है नेक्स्ट प्रश्न अनुसार हमारा क्या होता है, इसको तो हम देते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, तीन तो लेता है मलेशपुर की और पांच लेता है यतेशपुर की, उसका मूल्य कितना देता है, 74 रुपये, तो वो देता है 3x+5y-74=0, यह हो जाता है। इसको दे देते हैं समीकरण संख्या 2, यह हो जाता है। अब हम जानते हैं कि वज्र गुणन विधि से अगर हमें हल करना है, तो वज्र गुणन विधि हमारी क्या होती है, अब हमें क्या करना है, इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। वज्र गुणन विधि में हम जानते हैं क्या होता है कि एक्स वाई और वन इस प्रकार होता है, उसका मान किस प्रकार होता है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये क्या होते हैं, यह संख्या इससे गुणा होती है, यह संख्या इससे गुणा होती है, वापस ये इससे गुणा होती है, यह इससे गुणा होती है, ये इससे गुणा होती है, और ये इससे गुणा होती है, यानी इस प्रकार ये वज्र गुणा, इस प्रकार ये वज्र गुणा से आपस में एक दूसरे को वज्र गुणा करते हुए गुणा हल करते हैं इसको, इस विधि को हम क्या कहते हैं, वज्र गुणन विधि कहते हैं। इस प्रकार हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कैसे, तो हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को इस रूप में लिखते हैं, तो वो होता है x y 1। यहाँ पर देखते हैं ए वन का मान क्या है, दो, तब यहाँ पर किसका लिखना है, बी वन का मान क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं a1 a1 b1
A2 C2। ये A1 का मान कितना है? 2, B1 का 3, C1 का -46, -74, इसका है 3 और 5। ये अब हम क्या करते हैं, उपयुक्त मान है इनको यहाँ पर रखते हैं। तो वो जाता है, सबसे पहले B1 का रखना है, B1 का मान क्या है? 3, और B2 का है 5, C1 का है -46, -74, उसके बाद माइनस ए का मान है 2 और 3, उसके बाद है बी वन। बी वन का मान क्या है? बी वन का मान हमारा कितना है? 3 और 5। यह अब हम क्या करते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करते हैं तब ये एक्स है, ये तो इसके बट्टे में आ जाएगा। जो मान, जो इन दोनों संख्याओं को अगर हम आपस में वज्र गुणा करते हैं, ये एक्स के बट्टे में, इन दोनों को करते हैं वो वाई के बट्टे में, और इन दोनों को करते हैं वो किसके बट्टे में आ जाते हैं? एक के बट्टे में आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक्स अपॉन पहले इससे करता है तो वो जाता है -74 गुणा 3, -74 गुणा 3, माइनस यहाँ पर आ जाता है माइनस माइनस, और कितना है? -46, 46 किसका हो जाता है? प्लस गुणा 5, यह आ जाता है एक्स के बट्टे में इजिकल टू वाई। वाई के बट्टे में क्या आ जाएगी? 46 गुणा 3, -46 गुणा 3, माइनस, और -74 कितना आ जाएगा? प्लस का 74 गुणा 2, यानी यह आ जाएगा वाई के बट्टे में। उसके बाद आ जाएगा इजिकल टू 1/1, किसका देगा? 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 -9 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, इस प्रकार यह हो जाता है। इसमें हम देखते हैं, अब हम इसमें सभी को गुणा करते हैं तब क्या हो जाता है, 74 को 3 से गुणा करते हैं तब आ जाता है एक्स अपॉन 4 × 3 = 12, और 1 12 + 1 7 × 21 = 22, कितना आ जाता है? 222, माइनस के किसका आ जाता है? माइनस के। यहाँ पर देखते हैं, 5 से गुणा करते हैं 30, 20 और 3 = 23, किसका आ जाता है? प्लस के इजिकल टू 46, 46 को 3 से गुणा करते हैं 6 × 3 = 18, 1 12 और 1 13, -138 प्लस 7 × 14 = 8, और 7 × 14 प्लस के 148, ये आ जाते हैं वाई के बट्टे में इजिकल टू 1/10 -9, तो आ जाता है 10 - 9। अब हम इन सभी को हल करते हैं तो हो जाता है एक्स अपॉन, यहाँ पर प्लस की संख्या दी गई, कितनी दी गई? 8, तब आ जाते हैं 8, एक्स अपॉन 8 इजिकल टू वाई अपॉन, वाई की वाई में देखते हैं यहाँ पर भी प्लस की संख्या दी गई, कितनी है? 10, तो वो जाता है वाई अपॉन 10 इजिकल टू 1/1। अब हम इसका मान इसके बराबर रखते हैं और इसका भी मान क्या करते हैं? इसके बराबर रखते हैं, तब आ जाता है एक्स अपॉन 8 बराबर 1/1, इसको भी क्या कर देते हैं? वज्र गुणा, तब आ जाता है एक्स इजिकल टू 8, याद आता है। इसी प्रकार वाई इजिकल टू वाई अपॉन 10 इजिकल टू 1/1, इसको भी क्या करते हैं? वज्र गुणा, तब आ जाता है वाई इजिकल टू 10। ये तो हमें हो जाते हैं एक्स और वाई के मान। तो हम इसको भाषा में ले लेते हैं कि हमने मलेश्वर पर, मलेश्वर का किराया क्या माना था? मलेश्वरम का किराया माना था एक्स, और एक्स का मान कितना है? 8, यानी मलेश्वर का किराया कितना है? 8 रुपये, और जतेश्वर का किराया कितना है? 10 रुपये है। तो हम देखते हैं 50 और 8 = 24, 74 होते हैं, यानी तब हो जाता है 8 मलेश्वरम का किराया
8 रुपये तथा यशत पुर का किराया कितना है? 10 रुपये है। इतना 10 रुपये है। इस प्रकार वज्रगुण विधि में हमें यह चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इस प्रकार करते हैं और इसका रूप यह हो जाता है, और एक्स के बट्टे में यह मानते हैं, वाई के बट्टे में यह मानते हैं। इस प्रकार हमारा उदाहरण 14 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या 15। उदाहरण 15 में हमें देखा है पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का हल अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है यानी उनका मान अद्वितीय है। अद्वितीय के लिए हमारी कौन सी स्थिति होती है जो होती है वो हम आगे हल करते हैं। पहले हम लिखते हैं प्रश्न। प्रश्न में हमें यह बताना है कि पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्मों के निम्न समीकरण के निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। समीकरण कौन कौन से दिए गए हैं? 4x प्लस py इजिकल टू 8 प्लस 8 इजिकल टू 0। समीकरण तो दिया गया है 2x प्लस 2y प्लस 2, कितना है? प्लस 2 इजिकल टू 0। अब हमें यह बताना है कि इसके किस मान के लिए है वो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है इसका मतलब हम क्या है, अद्वितीय अद्वितीय का मतलब होता है उसका क्या है, कोई एक ही हल हो बाकी कोई हल ना हो। इस रूप में तो हो जाता है, इस रूप के लिए हमारा क्या हो जाता है सॉल्यूशन में हम करते हैं अद्वितीय के लिए स्थिति। अद्वितीय के लिए स्थिति क्या होती है? a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल हो, क्या हो? नॉट इक्वल हो। यह होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर हल करते हैं, तो वो होता है a1 समीकरण, या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं a1 और a2 का मान। a1 का मान कितना है? 4। b1 का है p और c1 का है 8। इसी प्रकार इसका हो जाएगा a2 का 2, b2 का 2, c2 का भी 2। अद्वितीय के लिए क्या यह स्थिति होती है? अद्वितीय के लिए स्थिति यह होती है, तो हम क्या करते हैं इन स्थितियों में मान रखते हैं। तो a1 वे तो मान रखते हैं a1, a1 का मान कितना है? 4 बट्टे 2 इजिकल टू नॉट इक्वल पी बट्टे 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाता है पी इजिकल टू 4। पी इजिकल टू नॉट इक्वल 4, यानी पी का मान है वो क्या है? 4 नहीं हो, पी का मान है वो 4 नहीं होगा, तब हमारी क्या है स्थिति है वो क्या होगी? अद्वितीय हल होने के लिए पी का मान है वो क्या है? 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। 4 के बराबर होगा तब उनका क्या है? अद्वितीय हल होगा। पी का मान क्या हो? 4 के बराबर नहीं हो, तब हो जाता है अतः अद्वितीय
हल के लिए कमान चार के बराबर नहीं, या फिर चार के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। अगर चार होगी तब उसका हल है वो क्या होगा, द्वितीय हल नहीं होगा उसका, वो है द्वितीय हल, यानी उसके कोई ना कोई दो हल आ जाएंगे, जबकि इसमें हमें क्या है अद्वितीय यानी एक ही हल प्राप्त करना है। एक हल के लिए क्या है पी का मान चार नहीं होना चाहिए, ये स्थिति होनी जरूरी है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या 16। उदाहरण 16 में हमें दिया गया है k के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म के a प्रमेय रूप में अनेक हल होंगे, यानी k के किस मान मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म ए परिमित रूप से युग्म के परिमित रूप से ए परिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या है अनेक हल होंगे। समीकरण दिया गया हमें केएक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इजिकल टू 0, बारह एक्स प्लस के वाई माइनस के इजिकल टू 0। यानी हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, इसमें हमें यह बताना है कि इसकी के किस मान के लिए है वो क्या है अनेक हल होंगे, यानी इनका हल है वो अनेक होना चाहिए। अनेक और अपरिमित के लिए हम स्थिति जानते हैं क्या होती है, सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर a1 a2 के मान लिख लेते हैं, a1 का मान कितना है k, b1 3, c1 के माइनस 3, ए टू 12, वी टू के, सी टू का मान क्या है के, इस प्रकार है। अब हम क्या करते हैं इसमें हम देखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर हम करते हैं कि ए अनेक हल हमें क्या दिए गए हैं ए परिमित रूप से अनेक हल, तब हम क्या करते हैं अनेक हल के लिए स्थिति, अनेक हल के लिए स्थिति क्या होती है a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2 इस रूप में होती है। इसमें हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी के मान रखते हैं और क्या करते हैं k मान निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना दिया गया है k / a2 का मान 12 इजिकल टू b1 का मान कितना है 3 / k इजिकल टू k - 3
माइनस तीन अपॉन के। अब हम के का मान निकालने, तो हम क्या करते हैं इन दोनों से कर लें और नेक्स्ट इन दोनों से कर लें, क्या हो जाएगा के का मान आ जाएगा। इन दोनों से करते हैं तो बताते हैं के अपॉन 12 इजिकल टू 3 अपॉन के, यह हो जाता है। इसको हम क्या कर देते हैं वज्रगुणा, वज्रगुणा करते हैं तो हो जाता है के स्क्योर इजिकल टू 12 × 36, यह आ जाता है 3 × 12 ना आ जाता है 36। के का मान निकालना है तो बोलते हैं के इजिकल टू अंडर रूट 36, के का मान आ जाता है प्लस माइनस 6। के का मान ये आ जाता है प्लस माइनस 6। नेक्स्ट हम स्थिति करते हैं सेकंड स्थिति में, इसको और इसको बराबर करते हैं तो बोल देता है 3 अपॉन के इजिकल टू के माइनस 3 अपॉन के। बट्टे वाली संख्या से अगर समान होता है वो आपस में कैंसिल हो जाती है, तब हो जाता है 3 इजिकल टू के माइनस 3। यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण कर देते हैं तब हो जाता है के इजिकल टू 3 + 3, तब हो जाता है के इजिकल टू 6। यानी के का मान है वो माइनस 6 है, वो तो एक अद्वितीय हल के लिए नहीं होगा, यानी अन्य एकल के लिए नहीं होगा, जबकि के का मान प्लस 6 है वो क्या है अन्य एकल के लिए संतुलित होगा, या फिर उसका मान है वो क्या है बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पर देख देते हैं, अतः के बराबर 6 ए परिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या है के का मान अगर 6 होगा तब क्या है अनेक हल होंगे, ये स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार हमारा उदाहरण 16 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या 17। उदाहरण 17 में दिए गए समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए, समीकरणों को निम्न युग्म को हल करना है, फिर निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए, हल कीजिए। समीकरण हमें दिया गया है 2x2 / 3 / y = 13, ये दिया गया है। और सेकंड वाला समीकरण हमें दिया गया है वो है 5x - 4y = -2। यानी हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, अब हमें क्या करना है इनको हल करना है, इनको हल करना है तो हम क्या करते हैं, हमने इतनी देर तो हमारे क्या था ये जो चर पत्ते वो गुणा में थे, अब ये बट्टा में आ गए, तो हम क्या करते हैं इनमें बदलने वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि बदलने वाले इस तरीके से हम कर सकते हैं इनको, वो आसान होता हो जाता है। तो हम करते हैं सॉल्यूशन में, तो बताते हैं 2 × 1/x + 3 × 1/y = 13, और इसका हो जाएगा 5 × 1/x - 4 × 1/y = -2। ये हो जाता है, इसमें हम क्या कर देते हैं माना, एक बार हम क्या कर लेते हैं माना 1/x = p तथा 1/y = क्या है q है, ये मान लेते हैं, ये मान हम कहाँ पर रख देते हैं x और y के जो मान है उन पर तबा देते हैं 2p + 3q = 13, और ये आ जाते हैं समीकरण संख्या 1। समीकरण संख्या 2 हो जाती है 5p - 4q = -2, यह आ जाता है समीकरण संख्या 2। अब हम देखते हैं इसको या तो विलोपन विधि से कर लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर लो, चाहे हम वज्रगुणन विधि से, इन तीनों में से कोई सी विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको तो कर दें 2 से गुणा और इसको कर दें 5 से गुणा, या फिर इसको कर दें 4 से, इसको कर दें 3 से गुणा। समीकरण 1 को 5 से तथा
एक को पांच से, एक को चार से तथा समीकरण दो को तीन से गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो आ जाएगा, दो से गुणा करना है तो आ जाता है टू गुणा 2p प्लस 3q इजिकल टू 13 गुणा 2। इसको किससे, चार से करना है तो आ जाता है यहाँ पर 4। उसके बाद होता है तीन से, 3 गुणा 5p माइनस 4q इजिकल टू -2 गुणा 4। याद आता है इनका हल कर लेते हैं तब हो जाता है, इसका हल हो जाता है 2 गुणा 3। इसको हल करते हैं तब हो जाता है 4 2 8 पी प्लस 12q इजिकल टू 52, 13 चौके 52। इसमें हो जाता है 15p माइनस 12q इजिकल टू 3 2 6 माइनस 6। ये इसको दे देते हैं समीकरण 3 समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को आपस में जोड़ देते हैं, तब क्या देखते हैं इसमें से क्यों है, ये माइनस का है ये प्लस का है, इनको जोड़ेंगे तब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और पी का मान आ जाएगा। तब हम करते हैं समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ये करते हैं तब हो जाता है समीकरण 3 हमें दिए गए हैं 8p प्लस 12q इजिकल टू 52, 4 दिए गए 15p माइनस 12q इजिकल टू माइनस 6। यहाँ पर देखते हैं प्लस का 12 और माइनस का 12 कैंसिल, 15 और 8 23 पी इजिकल टू 52 में से 6 गए पीछे बचते हैं 46। यहाँ पर P का मान निकालना है तो वो होता है 46/23, 46 में 23 का भाग देते हैं 2 तो आ जाता है P=2। P का मान आ जाता है 2। अब हम क्या करते हैं, P का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो तो वो होता है P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं P का मान, तब समीकरण 1 क्या दिया गया है 2p, P का मान क्या है 2 प्लस 3q माइनस 13, 2 2 4 इजिकल टू 4 प्लस 3q इजिकल टू 13। यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण कर देते हैं तब हो जाता है 3q इजिकल टू 13 माइनस 4, तब हो जाता है 3q इजिकल टू 9। अब हमें क्यू का मान याद करना है, ये इसके गुणा में, तब इधर भेजेंगे तब किस में हो जाएगा बट्टा में, तब हो जाएगा क्यू इजिकल टू 9/3, कितना आ जाता है क्यू इजिकल टू 3। क्यू का मान आ जाता है हमारा 3 और पी का मान आ जाता है 2। इस प्रकार पी और क्यू का मान आ जाते हैं। अब हमने क्या माना था, अब हमें एक्स और वाई के मान याद करना है, तब हम देखते हैं एक्स बराबर हमने पी माना था, 1/x = p माना था, तब हम क्या करते हैं जब जो चीज हमने मानी थी वहां पर हम मान रख देते हैं तो हो जाता है 1/x = p वे 1/y = q। यह होता है, यह हमने माना था, तब इसमें क्या करते हैं p वे q के मान रखने पर, पी और क्यू के मान रखते हैं तब हो जाता है 1/x = p का मान है 2 तो हो जाता है 1/2 = x या फिर x = 1/2, यानी x का मान कितना आ जाता है 1/2 और p का मान, q का मान रखते हैं 1/y = q का मान है 3 तो हो जाता है y = 1/3, यानी y का मान कितना आ जाता है 1/3 और
पी एक्स का मान कितना आ जाता है, 1/2। तो ये यानी ये भिन्न में थे तब इनका मान भी क्या है, भिन्न में आया है। इसको हम बदलने वाले समीकरणों से हल करते हैं तब ये क्या हो जाता है, हमारा आसान तरीके से हो जाता है। इस प्रकार हमारा उदाहरण, इसको हम इस समीकरण को विलोपन, गुणन या वर्ग गुणन या फिर प्रतिस्थापन, तीनों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन सी सरल लगे उससे कर लो। और उससे क्या हो जाएंगे, पी और क्यू के मान आ जाते हैं और उसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं जो हमने पहला माना था, तब एक्स और वाई के मान आ जाते हैं। इस प्रकार उदाहरण 17 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या 18। उदाहरण 18 में दिए गए हैं निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के रूप में बदल कर हल कीजिए, यानी रैखिक में बदल कर हल करना है, इनको करना है निम्न समीकरण, निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। हल करना है, समीकरण में दिया गया है 5 upon x-1 + 1 upon y-2 = 2, और सेकंड वाला में दिया गया है, यह तो है फर्स्ट वाला समीकरण। सेकंड वाला समीकरण में दिया गया है 6 upon x-1 + -3 upon y-2 = 1, कितना है 1, यानी ये समीकरण दिए गए हैं। इसमें भी हम देखते हैं ये अपॉन में अपॉन वाले को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के यानी इनका रैखिक समीकरण है, इनके रैखिक युग्म को हम बदल देते हैं। तो हम सॉल्यूशन में करते हैं 5 upon 1 - x + 1 upon y-2 = 2, और सेकंड वाला समीकरण में क्या दिए गए हैं 6 1 upon x-1 - 3 1 upon y-2 = 1। यह तब मान लेते हैं, माना क्या मानते हैं, इस ये भी समान है, ये भी समान है, इसकी जगह क्या मान लेते हैं p1 upon x-1 = p, या फिर हाँ p तथा ये भी समान है, ये भी समान है, तब क्या मान लेते हैं 1 upon y-2 = q है, p और q है। तो हम क्या करते हैं, इसमें p और q हमारा याद हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन p और q रख देते हैं इस समीकरण में, तब हो जाता है 5p + q = 2, इसको दे देते हैं समीकरण 1। और नेक्स्ट है 6p - 3q = 1, समीकरण 2, यह हो जाता है। इसको अब हम हल करना है, तो हम देखते हैं इसको अगर 3 से गुणा कर दे तब ये फलन समान हो जाता है, और इसको 3 से गुणा करके इस समीकरण को घटा देते हैं, तो हम करते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करना है तो होता है 3 5p + q = 2 × 3, यह हो जाता है। इसको हम हल करते हैं तो हो जाता है 3 × 5 = 15p + 3q = 3 2 6, याद आता है। इसको देते हैं समीकरण संख्या 3, याद आता है। अब हम करते हैं समीकरण 3 + समीकरण 2, ये करते हैं क्योंकि 1 है वो तो 3 के समतुल्य है, इसको तो हमने 3 से गुणा किया वही मान प्राप्त हुआ, 1 को ही हल किया तब यह समीकरण 3 प्राप्त हुआ, जबकि 2 है वो इसके विपरीत है, तब हम क्या करते हैं समीकरण 2 + समीकरण 3 करने पर ये करते हैं, तब होता है समीकरण 3 हमारे क्या है 15p + 3q = 6 और 6p - 3q = 1, क्या है = 1, यह है। तब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है,
जोड़ते हैं तो वो हो जाता है, ये क्यू का वाला का फलन कैंसिल हो जाता है, ये कितना हो जाता है 21, पी इजिकल टू 6 और 3 7, यानी पी इजिकल टू हो जाता है 7/21 यानी 1/3, पी का मान आ जाता है 1/3, कितना आ जाता है 1/3, पी का मान 1/3 आ जाता है। तब हम क्या करते हैं, पी का मान है वो समीकरण 2 में रखते हैं, पी का मान समीकरण 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, पी का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तब क्या हो जाता है 5, पी का मान हमारा कितना है 1/3, 1/3 माइनस प्लस क्यू इजिकल टू 2, क्या देते हैं यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण, क्या कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण कर देते हैं तब हो जाता है क्यू इजिकल टू 2 - 5/3, यह हो जाता है क्यू इजिकल टू आ जाता है 3 × 6 - 5/3, यानी क्यू इजिकल टू हमारा कितना आ जाता है 1/3, क्यू का मान आ जाता है 1/3। क्यू का मान 1/3 आ जाता है और पी का मान कितना आ जाता है 1/3, और क्यू का भी मान कितना आता है 1/3 आता है, यानी दोनों का मान समान आता है। तब तो हम क्या करते हैं इसका, अब हमें एक्स और वाई के मान हल करने हैं, किसके मान करने हैं एक्स और वाई के, तब तो हम क्या करते हैं पी वन अपॉन एक्स माइनस वन, पी वे वन अपॉन वाई माइनस टू इजिकल टू क्यू, ये हमने माना था, इसके बराबर हम क्या करते हैं मान रखते हैं, क्या करते हैं P और Q के मान रखते हैं, P वे है क्या है, ये है P वे Q के मान रखने पर, मान रखते हैं तो बताते हैं 1/(x-1) इजिकल टू पी, पी का मान कितना आया 1/3 इजिकल, यहाँ पर क्या कर देते हैं वज्र गुणा, क्या कर देते हैं वज्र गुणा, वज्र गुणा करते हैं तब आ जाता है x-1 = 3, x = 3+1, x = 4, यह आ जाता है, और यहाँ पर क्या करते हैं पक्षांतरण, यह हो जाता है, और नेक्स्ट हमारे क्या दिए गए हैं 1/(y-2) = 1/3, क्यू का मान कितना है 1/3 है, 1/3 रख देते हैं, इसके बाद क्या करते हैं वज्रगुणा, वज्रगुणा करते हैं तब आ जाता है y-2 = 3, यहाँ पर करते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है y = 3+2 y = 5, कितना आ जाता है y = 5, यानी y का मान हमारा 5 आ जाता है, x का मान कितना आ जाता है 4, इसको हम इस प्रकार हल करते हैं कि जो हमारे बट्टे में आ जाते हैं, यानी जो अचर पद है वो बट्टे में आते हैं, तब हम क्या करते हैं बदलने वाली विधि प्रयोग लेते हैं, बदलने वाली विधि में क्या करते हैं हम उनके बराबर कोई एक अचर पद मान लेते हैं, और अचर पद का जो अचर पद का मान आते हैं उनको हम जहाँ पर जो हमने माना था उस वही अचर पद का मान रख देते हैं और उसके बराबर करते हैं, तो हमारे एक्स और वाई का मान कितना आ जाता है, एक्स का मान 4 और वाई का मान 5, यानी इस स्थिति के लिए ये क्या है समीकरण संतुष्ट है, इस प्रकार हो जाता है। उदाहरण 18, नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या 19, उदाहरण 19 में हमें दिया गया है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल होता है, उसका मतलब होता है कि धारा के क्या है विपरीत दिशा में क्या करती है, जैसे यहां पर कोई नदी बह रही है और इसके ऊपर क्या है नाव, क्या है नाव, एक नाव है वो क्या है धारा के प्रतिकूल, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितनी बहती है, यानी हम मान लेते हैं कि धारा इस दिशा में बह रही है, किस दिशा में इस दिशा में, तब नाव किस दिशा में इस दिशा में, इस दिशा में बहती है तब कितने बहती है 30 किलोमीटर, कितना है 30 किलोमीटर, टाइम कितना है 10 घंटे। उसके बाद इसने क्या दिया है तथा धारा के अनुकूल, यानी धारा के अनुकूल यानी नाव इस दिशा में चलेगी तब कितना चलेगी 44
किलोमीटर, कितना 44 किलोमीटर, यानी धारा के अनुकूल तो 44 किलोमीटर करती है, धारा के विपरीत दिशा में कितना करती है 30 किलोमीटर चलती है, वो कितना है टाइम कितना दिया गया है 10 घंटा। इसी प्रकार एक नाव और है जो क्या है धारा के अनुकूल, यानी ये धारा है, धारा इस दिशा में है, तब नाव, नाव में क्या दिया गया है धारा के प्रतिकूल 13 घंटा में, टाइम कितना दिया गया है इसमें 13 घंटा, 13 घंटा, 13 घंटा है, तब क्या है वो धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल तो 40 किलोमीटर, यानी टाइम है 13 घंटा, धारा के अनुकूल यानी धारा अगर इस दिशा में बह रही है तो वो धारा के प्रतिकूल तो बहती है 40 किलोमीटर, कितना बहती है 40 किलोमीटर, और अगर वो धारा के प्रतिकूल बहती है तब कितना बहती है 55 किलोमीटर, यानी 13 घंटे में इतने दूरी तय करती है, और वे एक नाव है जो कितना दूरी तय करती है 10 घंटा में 44 और 10। अब हमें क्या करना है इसको बताना है कि ये जो नाव है वो क्या है, धारा की चाल तथा नाव की स्थिर, नाव के स्थिर पानी में चाल, यानी जब पानी धारा नहीं बहेगी यानी पानी स्थिर हो जाएगा तब बताना है कि नाव की चाल क्या है, और ये बताना है कि धारा की चाल है वो क्या होगी। इसमें हम क्या करते हैं मानते हैं, माना माना नाव की स्थिर चाल, माना नाव की स्थिर चाल क्या है x, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा यह है, और इसमें आगे क्या दिया गया है तथा धारा की, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है यह है। तो हम देखते हैं कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल होगी तब वो क्या होगी, धारा के अनुकूल जो नाव है उसकी चाल और धारा दोनों की चाल क्या हो जाएगी एड हो जाएगी, धारा के अनुकूल तो ये स्थिति बनती है, और धारा के प्रतिकूल क्या बनती है कि जिस प्रकार धारा बह रही है वो धारा क्या है, जिस प्रकार नाव अगर उसकी विपरीत दिशा में जाएगी तब क्या है धारा की चाल होगी वो क्या होगी इसका विरोध उत्पन्न करेगी, तब क्या होगी वो उसकी स्पीड को कम कर देती है, और जब धारा के अनुकूल जाती है तब क्या हो जाते हैं कि नाव है धारा होती है वो नाव को क्या करती है थोड़ा वो सपोर्ट करती है, जिससे क्या होती है नाव की चाल बढ़ जाती है। तब हम देखते हैं नाव की, तब नाव के धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल है वो क्या होगी एक्स और वाई आपस में क्या होगी एड हो जाएगी, यानी धारा की, धारा उसका सपोर्ट करेगी तब सपोर्ट करेगी तो धारा की चाल है वो भी उसके साथ जुड़ जाएगी, तब हो जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा यह हो जाती है, और धारा के प्रतिकूल, नाव की धारा के प्रतिकूल क्या है प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल होगी वो क्या होगी उसका अगर विरोध करेगी, यानी जैसे मान लो कि कोई नाव है वो 55 किलोमीटर से बह रही है, अगर उसके सामने 11 किलोमीटर से धारा आएगी तब वो क्या 11 किलोमीटर को कम कर देगी, यानी नाव की स्पीड है उसका 11 किलोमीटर को कम कर देगी, तब कितना हो जाएगी एक्स माइनस, हमने एक्स माना था एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा यह हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, हम जानते हैं कि समय, समय के लिए हमारे फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं या फिर विज्ञान में पढ़ते हैं, समय बराबर क्या होता है समय इज इक्वल टू दूरी बट्टा चाल, यह होता है समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। अब हमें याद क्या करनी है इनकी चाल याद करनी है, चाल याद करनी है, चाल का मान हमने क्या माना x और y माना था, और दूरी, दूरी इसने दी है कितनी दी गई है 30 किलोमीटर है और 44 किलोमीटर है, धारा के अनुकूल है वो 30 है और धारा के प्रतिकूल है वो कितनी है 44 है, और ये दिए गए हैं, और हमें क्या है टाइम, टाइम हमें कितना दिया गया है 10, कितना है 10, यानी वो दोनों स्थितियों में क्या है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और यानी 10 घंटे में वो धारा के प्रतिकूल और अनुकूल दोनों स्थितियों में 10 घंटे टाइम लगाती है, तब कितना 44 और 30 बहती है। तब हम देखते हैं टाइम के लिए, तब हम देखते हैं समय, या फिर हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं
समय इज इक्वल टू दूरी बट्टा चार। जो बताती हैं उसने हमारे को पहली स्थिति के लिए क्या दिया गया है, पहली स्थिति में यह दिया गया है कि समय है, पहली स्थिति में यह दिया गया है दूरी है वो कितनी है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है और वो किसके हैं धारा के प्रतिकूल हैं, तब क्या हो जाएगी 30 और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल उसकी चाल क्या है एक्स माइनस वन, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यह हो जाएगा। और धारा के यहाँ पर लिख लेते हैं धारा के प्रतिकूल समय, धारा के प्रतिकूल स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में हो जाती है धारा के प्रतिकूल समय, धारा के प्रतिकूल समय है उसको हम किससे रिनोल्ड कर देते हैं T1, T1 कितना हो जाता है टाइम, टाइम क्या होता है दूरी, दूरी कितनी दी गई है उसने 30 बट्टा माइनस वाई, चाल क्या है उसकी एक्स माइनस वाई, ये हो जाती है। और धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल समय उसको हम कर देते हैं T2 से T2 हमारा क्या हो जाएगा, उसने क्या दिया है धारा के अनुकूल वो नाव है वो कितनी चलती है 44 किलोमीटर चलती है और चाल है वो उसकी क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई, चाल क्या है एक्स प्लस वाई, चाल तो हमने यहाँ से है और दूरी कितनी है 44 किलोमीटर। अब है स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, सेकंड स्थिति में उसने क्या कहा है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल वो कितनी चलती है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल वो समय है वो कितना लेती है समय, उसको हम किससे रिनोट करते हैं T3 से करते हैं, तब कितना हो जाता है T3 है वो कितना हो जाता है हमारा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल होगा वो कितना होगा दूरी, दूरी हमारी कितनी दी गई है इसमें दूरी है वो है 40 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल दूसरी नाव कितनी जाती है 40 अपॉन x माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल क्या होगी x माइनस वाई। उसी प्रकार धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल समय, धारा के अनुकूल समय है वो कितना हो जाएगा T4 और उसमें क्या दी गई है T4 है उसकी दूरी क्या है, उसने दूरी कितनी दी गई है उसने कहा है कि 55 किलोमीटर जाती है और 55 किलोमीटर और क्या है धारा के अनुकूल चाल क्या होगी x प्लस वाई, यह हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या है एक तो समय दिया गया है यानी इन दोनों स्थितियों में वो कितना 10 घंटा लेती है और इन दोनों में क्या लेती है 13 घंटा यानी T1 प्लस T2, तब T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना दिए गए हैं 10 और T3 प्लस T4 कितना दिए गए हैं 13 घंटा यानी वो धारा के प्रतिकूल दूसरी स्थिति में अगर धारा के प्रतिकूल जाती है और धारा के अनुकूल दोनों समय में कितना लेती है 13 घंटा और इस दोनों को जोड़ने पर वो कितना लेती है 10 घंटा लेती है, तब क्या करते हैं हम इन दोनों का मान रखते हैं T1 व T2 और T3 और T4 का मान रखते हैं, T1 का मान है वो कितना है 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और T3 का मान क्या है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना ले दिया 13 घंटा, यह स्थिति बन जाती है। अब हम देखते हैं इसमें, इसमें हम क्या करते हैं एक्स माइनस वाई, इसमें भी क्या है एक्स माइनस वाई, इसमें क्या एक्स प्लस वाई, इसमें क्या एक्स प्लस वाई यानी हम इसमें देखते हैं ये जो अचर पद है वो हमारे किस में आ जाते हैं बट्टे में आ जाते हैं, अचर पद को हम क्या मान लेते हैं पी क्यू या फिर यू वी ऐसे कोई दूसरे अचर पद में बदल देते हैं, दूसरे अचर पद में बदल देते हैं तब हो जाता है माना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इजिकल टू यू
तथा वन अपॉन एक्स प्लस वाई इजिकल टू वी है, क्या है वी है। ये हमने क्या किया, एक बार मान लिया है कि ये क्या है, एक्स और वाई के मान है, तब हम यहाँ पर करते हैं एक्स और वाई के मान है यानी इनका मान है, हम यहाँ पर रखते हैं, तब होता है 30 यू प्लस 44 वी इजिकल टू कितना है 10, कितना है 10। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, याद होता है समीकरण एक। समीकरण दो में हमें क्या दिया गया है कि समीकरण दो में हमारे क्या बनता है 40 और वन अपॉन वन माइनस वाई, वन अपॉन एक्स माइनस वाई को हम क्या मानते हैं वी यू, तो वह देता है 40 यू प्लस 55 वी इजिकल टू 13, कितना हो जाता है 13। अब हम देखते हैं इसमें इसका और इसका मान अगर हम बैलेंस करना है तब कितना हो जाता है, इसको और इसको हम वज्रगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, इसको है? कर देते हैं समीकरण सेकंड। वज्रगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, वज्रगुणन विधि से नहीं करते हैं तो विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से हल करना है तो हम क्या करते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं और इसको इससे गुणा कर देते हैं और जो मान प्राप्त होता है उनमें से एक संख्या आपस में कट जाती है, तो हम क्या करते हैं समीकरण एक को, समीकरण एक को हम किससे करते हैं 4 × 12, समीकरण एक को हम करते हैं 4 से तथा समीकरण दो को 3 से गुणा करने पर समीकरण एक को हम 4 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 4 30 यू प्लस 44 वाई इजिकल टू 10 × 4, यह हो जाता है। और समीकरण दो हमारा क्या है 3 × 40 यू प्लस 55 वी इजिकल टू 13 × 3, यह हो जाता है। इनको हम हल करते हैं यहाँ पर तो हो जाता है 30 को 4 से गुणा करते हैं 120 यू प्लस 44 को 4 से करते हैं 4 × 16, 16 और 1 17, 176 वी, 10 को 4 से करते हैं 40। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको करते हैं तब हो जाता है 3 से गुणा करते हैं तब हो जाता है 3 × 12 120 यू प्लस 5 × 3 15, 15 और 1 16, 165 वी इजिकल टू 33 39, कितना हो जाता है 33 39, तब हो जाता है समीकरण, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 या फिर विलोपन विधि, विलोपन विधि से करते हैं तब क्या हो जाता है चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, इसमें लिख लो विलोपन विधि। विलोपन विधि में हो जाता है तो होता है 120 यू प्लस 176 वी इजिकल टू 40, 120 यू प्लस 165 वी इजिकल टू 39, विलोपन विधि से करते हैं तब क्या हो जाते हैं चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, तो हो जाता है 120 प्लस का 120 माइनस का आपस में कैंसिल हो जाता है, 176 में से 165 जाते हैं तो पीछे कितना बच जाता है 11, कितना बच जाता है 11, 11 क्या आ जाता है वी, यहाँ पीछे कितना बच जाता है 40 प्लस का है प्लस की संख्या अधिक है कितना बच जाता है 1, तब आ जाता है वी इजिकल टू 1/11, वी का मान क्या आ जाता है 1/11, वी का मान हम क्या कर देते हैं समीकरण एक, एक समीकरण 3 या समीकरण 4 में, समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, वी का मान कहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 या 2 में, तो हम क्या कर सकते हैं यू का मान प्राप्त कर सकते हैं, तब यहाँ पर करते हैं समीकरण वी का मान समीकरण
एक में रखने पर। समीकरण एक में v का मान रखते हैं तो वो देता है 30u प्लस 44, v का मान है 1/11 इजिकल टू 10, याद आता है तो देता है 30u प्लस 11 44, 4 इजिकल टू 10। यहाँ पर क्या करते हैं, पक्षांतरण पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है 30u इजिकल टू 10 माइनस 4, पीछे कितना बचता है 6, कितना बचता है 6, तब आ जाता है u इजिकल टू 6/30, यानी u का मान कितना आ जाता है 2/10, कितना आ जाता है 2/10, या फिर 6 का भाग देते हैं तब आ जाता है 1/5, 6 का 1 और 5, 30 में कितना आ जाता है 5 r, यानी u इजिकल टू आ जाता है 1/5, u का मान आ जाता है 1/5, v का मान आ जाता है 1/11, ये मान आ जाता है। अब हमें क्या है, x और y के मान हल करने हैं, x और y के मान हल करने हैं, तब हमने जो माना था वहां पर हम क्या कर देते हैं, उपयुक्त मान रख देते हैं। जो चीज हमने मानी थी वहां पर हम क्या करते हैं, उपयुक्त मान रखते हैं, तब हो जाता है हमने क्या माना था, u कहाँ पर माना था, 1/(x-y) इजिकल टू u, 1/(x-y) इजिकल टू u, और 1/(x+y) इजिकल टू v, ये माना था। यहाँ पर क्या करते हैं, u और v के मान रखते हैं, u और v के मान रखते हैं, तब होता है 1/(x-y) इजिकल टू यू, यू का मान क्या है हमें 1/5, कितना प्राप्त हुआ 1/5, और वी का मान कितना प्राप्त हुआ 1/(x+y) इजिकल टू 1/11, यह प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या कर देते हैं, वज्रगुणा करते हैं, तब हो जाता है x-y इजिकल टू 5, और इसका हो जाता है x+y इजिकल टू 11, यह हो जाता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, y का मान एक बार मान लेते हैं, क्योंकि हमने जो प्रतिस्थापन विधि की थी उसके द्वारा यहाँ पर हल करते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो एक तो वज्रगुणन विधि आ जाती है, वज्रगुणन विधि भी यूज कर सकते हैं, वज्रगुणन नहीं करते हैं तो विलोपन, विलोपन के बाद कौन सी आ जाती है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन से करते हैं तो होता है x इजिकल टू 5+y, यह हमने क्या था एक बार माना था। इसका मान क्या पर रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, यहाँ पर समीकरण दे देते हैं 5, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, x का मान अगर हम समीकरण 5 में रखते हैं तो वो होता है 5+y इजिकल टू 11, पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है 2y इजिकल टू 11-5, y 2y इजिकल टू 6, यहाँ पर देखते हैं 6 का तब आ जाता है y इजिकल टू 3, यानी हमारा y का मान कितना आ जाता है 3, y का मान कितना आ जाता है 3। यहाँ पर हम देखते हैं y का मान 3 आ जाता है, y का मान हम कहाँ पर रख देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 6, y का मान समीकरण 6 में रखने पर, y का मान समीकरण 6 में रखने पर, y का मान अगर हम समीकरण 6 में रखते हैं तब आ जाता है x इजिकल टू 5+3, यानी x इजिकल टू कितना आ जाता है 8, यानी x का मान कितना आ जाता है 8 और y का मान कितना आ जाता है 3। हमने माना क्या था, इसमें हमें क्या है, एक तो दिया गया है अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब होता है वो धारा के साथ में व्यतीय, यानी धारा और उसकी दिशा क्या है समान हो, धारा और दिशा अगर समान हो तब क्या होती है दोनों की चाल जुड़ जाती है, और प्रतिकूल होती है तब क्या है दोनों की चाल में से, यानी जो हमारी नाव की चाल होती है उसमें से क्या है धारा की चाल है वो माइनस हो जाती है, और उसके बाद हमें क्या है समय दिया गया है कि दोनों स्थितियों में समय कितना लगता है 10 घंटे, और एक स्थिति दूसरी सेकेंड स्थिति में दिया गया है कि दोनों
दोनों चाल में यानी अनुकूल और प्रतिकूल दूसरी नाव चलती है, उसको में कितने समय समय लगता है 13 घंटे, और दूरी कितनी दी गई है 40 और 45, इसमें दूरी दी गई है 13 और 44। इस प्रकार हम क्या करते हैं, समय है वो तो हम इस प्रकार समय तो याद कर सकते हैं, लेकिन समय है उन दोनों का योग कितना दिया गया है 10 घंटा, और इसके दोनों का योग कितना दिया गया 13 घंटा। इसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पर देखते हैं अक्षर पद है वो किसमें है, हमारे बट्टा में है, बट्टा में होते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बदलने वाली विधि काम लेते हैं। बदलने वाली विधि में हमने 1 - y = u माना और 1 + x = क्या माना, v माना। 1 - यहाँ पर जो 1/(1 -) एक्स है उसके जगह पर यू रख दिया और यहाँ पर वी रख दिया, तब हम देखते हैं यू और वी के मान आ जाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं प्रतिस्थापन विलोपन विधि से अगर हम हल करते हैं तब हमें क्या हो जाता है यू और वी के मान प्राप्त हो जाते हैं। यू और वी के मान है वो हम कहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर हमने इनके बराबर माना था, जहाँ पर माना था वहाँ पर हम u और v के मान रखते हैं। तब हमें क्या है प्रतिस्थापन विधि से एक बार x का मान हल करते हैं या फिर दो y का मान दोनों में से एक का हल करके क्या करते हैं एक समीकरण दूसरे समीकरण में रखते हैं, तब हमें एक का एक राशि का एक चर पद का याद होता है, उस चर पद का मान हम क्या करते हैं वापस उस समीकरण में रख देते हैं, तब हमें दूसरे चर का हल होता है। इस प्रकार उस अध्याय 3 के उदाहरण सभी कंप्लीट हुए।